सैनिक बाहुल्य झुंझुनू जिले में झुंझुनू पुलिस ने एक और नया नवाचार किया है। अब सीमा पर तैनात सेना के जवान, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान अपने परिजनों की पुलिस से जुड़ी समस्याओं का एक कॉल या मैसेज पर समाधान करवा सकेंगे। झुंझुनू पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 9530415944 जारी किया है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या फोन करके सेना के जवान, अर्धसैनिक और पुलिस के जवान शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। SP मर्दुल कछावा ने बताया कि सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों के परिवार से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आने वाले परिवारों का प्राथमिकता से निस्तारण करवाया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर पर आने वाले परिवारों की SP मर्दुल कछावा द्वारा स्वयं मॉनिटरिंग की जा रही है। व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए सैनिक, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों के जवान अपनी समस्याएं भेज रहे हैं। समस्याओं की मॉनिटरिंग करते हुए संबंधित थाना अधिकारियों को प्रेषित कर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर आने वाले परिवारों का 3 से 5 दिन में निस्तारण कर टेलीफोन या व्हाट्सएप के जरिए संबंधित परिवादी को सूचना प्रेषित कर जानकारी दी जाती है। जैसा कि आप सभी को विदित है, झुंझुनू वीरधरा है और सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो वर्दीधारी भाई हैं, चाहे वो सेना में हों, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों में हों, चाहे वो जिला पुलिस के, राज्य पुलिस के अन्य जवान हों जो कि झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं, उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए, चूँकि वो दूरस्थ स्थानों पर रह करके अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, उनके परिवार की, उनकी स्वयं की जो समस्याएं हैं पुलिस से जुड़ी हुई, उनके त्वरित समाधान हेतु जिला पुलिस द्वारा एक नवाचार किया गया है। एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन जो है जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य यह है कि जो हमारे वर्दीधारी भाई हैं, उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनके जो भी परिवाद होते हैं, उनका प्राथमिकता से निस्तारण किया जा सके, उनकी मदद की जा सके, ताकि वो निश्चिंत होकर के अपने ड्यूटी स्थान पर, दूरस्थ स्थानों पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकें। इसका एक विशेष हेल्पलाइन नंबर इसमें जारी किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं मेरे द्वारा की जा रही है और मेरी अनुपस्थिति में एडिशनल SP द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। लगातार जो है इसका एक रजिस्टर हम संधारित कर रहे हैं, उनमें जो भी हमारे वर्दीधारी भाइयों की समस्याएँ हैं, चाहे वो सेवारत हों, सेवानिवृत्त हों, उसको जो है प्रायोरिटी के तौर पर मॉनिटर किया जाता है। ये आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो ज़्यादातर कंप्लेंट्स, परिवाद जो हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं वो व्हाट्सएप के मार्फत हो रहे हैं या टेलीफोन कॉल्स के मार्फत भी कुछ समस्याओं से हमें अवगत करवाया जाता है। उसका एक रजिस्टर संधारित किया जाता है और संबंधित थानाधिकारी को अथवा वृत्ताधिकारी को या फिर स्वयं मेरे स्तर पर भी अगर किसी समस्या का समाधान किया जाना है तो उसका समाधान किया जाता है। और जब परिवादी के परिवाद का निस्तारण हो जाता है तो उससे जरिए टेलीफोन अथवा मैसेज से यह इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाई जाती है कि उन्होंने जो कंप्लेंट दर्ज करवाई थी उसका समाधान किया जा चुका है। इस पूरे अभियान का, उस नवाचार का जो जो दिशा निर्देश है वो पुलिस मुख्यालय में हमारे DG साहब और रेंज जयपुर के हमारे IG साहब के दिशा निर्देश में हमने इस नवाचार को शुरू किया है।